गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे, बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज है 26 अक्टूबर और इस समय लगभग बज रहे हैं 11:30 सुबह के, और मैंने आज फटाफट जल्दी से काम निपटा लिया। मतलब जब आप आते हो ना घर वापस आफ्टर वेकेशंस या कहीं से भी, तो सच्ची में जो काम होता है वो आपका डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो वो धीरे 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 मैं अपने ट्रैक पे आ रही हूँ, जो मेरा डेली का जो ट्रैक है काम करने का, उस पे आ रही हूँ। और मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो ये सारे कपड़े तह लगाए, ये सिर्फ और सिर्फ किन्नी के हैं जो मैंने सारे हाथ से धोए थे, उनको मैंने तह लगा लिया है। और अब मैंने दाल को बॉईल कर लिया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, क्योंकि लंच बनते बनते 1 तो बज ही जाता है। और धीरे धीरे जो घर के काम होंगे वो मैं करती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए, तो आज मैंने बनाई है उड़द की दाल, बॉईल की है अभी, और साथ में सोच रही हूँ हरे प्याज की सब्जी बना लेती हूँ। यह है हरे प्याज, मैं लेके आई थी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं हरे प्याज, और इसकी सोच रही हूँ सब्जी बना लूँ। और देखती हूँ दाल कितनी बनी है, क्या फरमाइश आती है चावल की या रोटी की, तो उस हिसाब से खाना बन जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का दिन, और मैं आशा करती हूँ कि हर दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, किसी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। और सबसे बड़ी जो होती है ना चीज़, आर्थिक परेशानी एक अलग चीज होती है, पर मानसिक और शारीरिक ये परेशानी कभी भी जीवन में नहीं आनी चाहिए। देखिए, पैसा आना जाना है, वो आएगा भी और जाएगा भी, पर जो शरीर का जो सुख और दुख है, वो इंसान कहते हैं ना, बस दुख ना आए, हमेशा सुखी रहे इंसान। चलिए तो शुरू करती हूँ, बस अभी इसको धो लेती हूँ अच्छी तरीके से, फिर काटती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मैंने अभी एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं ग्वालियर से आने के बाद सीधा गाज़ियाबाद की रामलीला गई, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मैंने सूट खरीद रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस दुकान का एड्रेस क्या है, अगर आप कभी जाते हैं या आसपास रहते हैं, गाज़ियाबाद रहते हैं, और अगर आप चाहते हैं उस शॉप पे विज़िट करना, तो आपको मैं बता देती हूँ, लकी साड़ी सेंटर के नाम से है, गोल मार्केट में, और बिल्कुल कॉर्नर की शॉप है। ठीक है, तो अगर आपका मन करे तो आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारी सूट्स की रेंज और वैरायटी है। और रही बात की प्राइस फिक्स है या नहीं है, ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि हमारे प्राइस फिक्स है, पर फिर भी उसके बावजूद भी आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने कपड़े वहाँ से खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से वो आपको थोड़ा बहुत कंसेशन भी दे देंगे। तो ये तो रही बात कि मैंने कहाँ से सूट खरीदे थे। और अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप तुरामनगर की बात करते हैं, तो तुरामनगर थोड़ा सा, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द घंटाघर। घंटाघर में जो है थोड़ा सा रेट मुझे सही लगते हैं, अगर आपको लेना है सूट से रिलेटेड कपड़े, तो आप घंटाघर में देखिए, आपको बहुत अच्छे फैब्रिक्स मिल जाएंगे वहाँ पे। देखिए, दाल लगभग इतनी उबल चुकी है, थोड़ा सा हल्की सी देखा जाए तो खड़ी खड़ी सी है, पर ये हाथ में डाल के ही मसलने पर ये घुट रही है, तो सही है दाल। हल्का सा पानी और डाल के ना मैं इसको थोड़ा कढ़ा लेती हूँ। चलो इसको दूसरी गैस पे रखती हूँ। अच्छा, अब जैसे जैसे सर्दियां शुरू हो गई है ना, तो जितनी भी हरी सब्जियां होती है ना, उसमें जो नया आलू होता है वो अच्छा लगता है। अब ये तो पुराना आलू है, नया आलू शायद आ भी गया होगा मार्केट में, पर मैं अभी नहीं लाई हूं, तो
हरे प्याज में मैं डाल रही हूँ ये पुराना आलू ही, और जो मेथी होती है ना उसमें तो छोटे छोटे अगर आप साबुत भी डाल देते हैं ना आलू, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सर्दियों में बस यही है, खाने पीने के बहुत सारे आइटम होते हैं, पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो इन हरी सब्जियों को बैठा बैठा काटता रहे, क्योंकि काटने में बहुत समय लगता है। अच्छा, जितनी भी सूखी सब्जियां होती है ना उसमें मैं ये वाला मसाला जरूर डालती हूँ, सब्जी मसाला, और बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने आपके साथ ना अभी एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं न्यू महेश मसाले यूज करती हूँ, तो आप लोग भी देख सकते हैं अगर आप आसपास रहते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए, अच्छे लगे तो ठीक है। चलना, मैं रॉक सॉल्ट यूज करती हूँ खाने में। रॉक सॉल्ट कोई सा भी मंगा लेती हूँ, कभी टाटा का आ जाता है, कभी कैच का आ जाता है, जिसे सेंधा नमक बोलते हैं वो ही दिखाती हूँ मैं आपको। इसका कलर देखिए कैसा है, ये देखिए, शायद कलर ना नजर आ रहा हो आपको, हल्का हल्का पिंक कलर है। ओ, गिर गया, तो पिंक कलर है हल्का सा। चलिए अब इसको बनने देते हैं, और इधर मैं तैयारी करती हूँ छौंक लगाने की दाल में। चलिए दाल में लगा लेती हूँ छौंक। तो ये मैंने डाली है अदरक और हरी मिर्च, जीरा पहले डाल दिया था, अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो थोड़ी सी हींग डाली है, मैंने बॉईल करते हुए भी डाल दी थी हींग, ये थोड़ा सा डाला है धनिया सौंफ, और अब डलेगी इसके अंदर लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ रंग के लिए ही होती है, कलर इसमें नहीं होता, मतलब तीखापन नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए ही होती है। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सी दाल है, उड़द की दाल, धुली उड़द की दाल। अच्छा, धूप में ना थोड़ी थोड़ी ठंडक सी महसूस होती है, वैसे तो बाहर जाओगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। ये मैंने घास धोई, ये कवर धोया, चलिए अभी इसे लगा के आती हूँ। यहाँ वाली मैंने ग्रास धोई थी, ये वाली, चलिए अब इसको लगा लेते हैं। घर के इतने सारे काम होते हैं ना कि आप पूरा दिन लगा सकते हो और तब भी आपके काम पूरे नहीं होंगे। एक तो दिवाली, ऊपर से घर में अगर कोई फंक्शन है तो वो, और बस काम काम काम। अच्छा, मेरे साथ है कि ना मैं कुछ ना कुछ सफाई का काम रोज डेली का करती रहती हूँ, ताकि मेरे पे कम बर्डन पड़े, और इस तरीके से जो घर होता है ना वो थोड़ा साफ भी लगता है और मैनेजेबल भी लगता है। बस इसी तरीके से काम चलते रहते हैं दिन भर,
ये जो पटारा है मेरा, इसमें सारे मेरा वो सामान है जो मैं, जैसे फेशियल किट हो गई, पेडिक्योर किट हो गई, तो इस तरीके का सामान है। इसमें वो सामान है जो बेसिकली काफी यूज होता है, और बाकी का किम्मी का है ये काम सारा। आज मैंने कॉम्स भी धो दिए थे सारे, आज कॉम्स धोए थे। चलिए ये काम तो हो गया, दिखा देती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे शूट कर रही हूँ। देखा आपने, तो इस तरीके से दिन भर चलते हैं घर के काम, और इस तरीके से मैं करती हूँ शूट अपनी वीडियोस को। कहीं पे ट्राइपॉड की जरूरत नहीं होती है, या कहीं पे मुझे लगता है कि मैं इसे बिना स्टैंड के भी अलाइन कर सकती हूँ, मैं वहां पे वैसे कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज, अच्छा मैं, मम्मी ने मुझे ना एक साड़ी दी थी, मैं कैसे बात करूँ आप लोगों से, ऐसे बात करती हूँ। तो मम्मी ने ना मुझको, अभी मैं आई थी वापस, तो मम्मी के पास साड़ी रखी हुई थी, थोड़ा डार्क कलर था, तो मम्मी बोली कि ले जा इसको पहन लेना, और तो पर उस पर बिल्कुल नई थी, तो मैं उसको ले आई हूँ, उस पर फॉल लगाना है। बल्कि जब मैं आ गई, मम्मी मुझे बोली कि तेरे पास समय नहीं होता, नीचे दे देते, वहाँ पे लगा देती। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं खुद लगा लूँगी, क्योंकि मुझे जो सिलाई है ना वो मुझे आती है, बहुत अच्छे तरीके से आती है। और जब मैं 9th क्लास में थी तब मैंने सिलाई सीखी थी, मुझे एक्चुअली उस समय शौक लग गया था, शौक वो नहीं, मुझे बहुत ही शौक था कि मैं सिलाई को सीखूं। और मैंने बहुत ही जल्दी, सिर्फ 15 से 20 दिन में ही सिलाई को सीख लिया था। सबसे पहले मैंने ब्लाउज बनाना ही सीखा था। बस अभी क्या होता है, मेरे पास समय का ही अभाव रहता है, अदरवाइज तो मैं खुद भी सिल सकती हूँ ब्लाउज। पर हाँ, पर एक चीज है कि जब आप स्टिचिंग को करते रहेंगे कंटिन्यूसली, या कोई भी काम है अगर आप उसे कंटिन्यूसली करेंगे, तो आपके खुद के काम में ही आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे मैं अपनी वीडियो एडिटिंग की ही बात करूं, जितना समय मुझे पहले लगता था, अब धीरे 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 मुझे वो ही समय अब मेरा कम होता जा रहा है। और शायद माइट भी वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो एडिटिंग या वीडियो को बनाने में भी बहुत ज्यादा समय के साथ सुधार आएगा। अभी तो नहीं मैं कह सकती कि बहुत सुधार आ गया है, पर हाँ समय के साथ आपको बहुत ज्यादा एक तरह से परिवर्तन या चेंजेस नजर आएंगे मेरे वीडियोस में। अच्छा जी, तो एक और चीज धोई थी, वो भी बिछा लेती हूँ, चावलों को दिखाती हूँ। और अच्छा, अब इन चीजों में ना, ये जो कुल्ट्स है इनमें अब ठंड लगती है, तो अब थोड़े से मोटे मोटे कुल्ट्स निकालने पड़ेंगे। या तो आप पंखा बंद करके सोए, पर अगर आप पंखा बंद करके सोते हैं ना, तो एक हल्की सी थोड़ी देर बाद घुटन सी महसूस होती है, और साथ में मच्छर आपको सोने नहीं देते। ये वाला जो टेबल रनर है, ये वाला मैंने परचेज किया था बंजारा मार्केट से, और शायद मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट थी 225 या 250 के आसपास थी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टिफ, मतलब स्टिफ है एक तरीके से, काफी मोटा है, थिकनेस बहुत मोटी है। और इसमें मैंने दो कलर्स लिए थे, एक रेड था और एक ब्लैक था। इसको आज वॉश किया था। और पप्पी किमी आ चुके हैं, और यही बस कहते हैं ना 15-20 मिनट होते हैं जिसमें मैं हल्की बोता थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ घर का। बस अब बैल बजने वाली है और किम्मी और यशु का उधम शुरू। जो घर थोड़ा सा सिमटा हुआ लग रहा है वो सारा का सारा अब बिखेर देंगे आते। चलिए फ्रेंड्स, खाने के बाद मिलती हूँ। कैसे हो आप लोग? इधर देखो,
चलो अच्छा यहाँ पे देख के बोलो। लो नमस्ते फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से। हाल में बना है राजमा। कहाँ बना है राजमा? घर पे। कौन बोला? पापा। हाँ, उड़द की दाल बनी है और हरे प्याज की सब्जी। आपने नमस्ते कर दी सबको? हाँ। अच्छा आप हटो, अब अपी आएगा। मैं नहीं आ रहा। जल्दी आओ, नमस्ते करो सबको। मैं नहीं आ रहा। मैं तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं शाम को ही करके रख लेती हूँ ताकि अगला दिन जो होता है वो इतना हैक्टिक ना रहे, पर उसके बावजूद भी जो अगला दिन होता है उसमें भी बहुत सारे काम रहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने सूट्स को अलग कर रही हूँ, जो मेरे गर्मियों के सूट्स हैं वो मैं थोड़ा अलग कर रही हूँ, और काफ़ी सारे सूट जो थे वो मैंने धोए थे उनको भी तह लगा रही हूँ। और अब जैसे कि सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो मैं सिर्फ वही सूट आगे रख रही हूँ जो सर्दियों में, इस सर्दी में जो ये शुरुआती सर्दियाँ हैं उसमें पहनने के लिए होते हैं, और बाकी के जो मेरे कॉटन के हल्के सूट हैं उनको मैं मतलब अलग कर रही हूँ ताकि मेरा काम हल्का रहे। अब मैं सर्दियों की जैसे जैसे शुरुआत हो रही है वैसे वैसे अपने घर को भी सर्दियों के लिए कहते हैं ना रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से अब जो काम होते हैं वो दिन भर चलते हैं। आपका आधा घंटा भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, इस आधे घंटे में आप अपने घर के बहुत सारे काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, और मैं सोच रही हूँ कि जब कपड़े तह लगा के रखनी है तो सही तरीके से रखे जाए। अच्छा, कई बार क्या होता है जब आप अपनी वार्डरोब को या फिर आप अपनी अलमीरा को साफ करते हैं तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ पाते हैं जो आप काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहे होते हैं। उसमें से एक चीज़ ऐसी और है जिसका जिक्र मैंने मम्मी से इतनी बार करा है, इतनी बार कि मम्मी मेरी वो चीज़ वहाँ तो नहीं रह गई, और मम्मी का हमेशा यही आंसर आता था, जवाब आता था कि नहीं यहाँ पर नहीं है, सही से देखना वहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं रख के भूल गई होगी। और वाकई में ऐसा हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ थी। थोड़ी देर आप वेट करिए, आपको पता लगेगा कि मैं क्या चीज़ ढूंढ रही थी। इस तरीके से साफ सफाई करने से दो तीन फायदे तो बहुत होते हैं। एक तो पहला फायदा कि आपकी वार्डरोब जो होती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। साथ में आपके पास जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप खरीद कर रख कर भूल जाते हो, और इसी तरीके से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे काफ़ी सारे अपने ऐसे बैग्स मिले जो मैंने कई मतलब समय पहले परचेज करे थे, और जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो ये चीज़ थी। ये मेरी बहुत ही सुंदर प्योर पर्ल की माला थी जो पता नहीं काफ़ी लंबे समय से मुझे मिल ही नहीं रही थी। और यहाँ पर मैं बच्चों की वार्डरोब को भी साफ कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, उनके भी जो कपड़े हैं वो अलग अलग कर रही हूँ। विंटर्स के जो अब शुरुआती विंटर्स है उसमें यूज़ होने वाले कपड़े अलग कर रही हूँ, गर्मियों के बिल्कुल अलग कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूरी शाम बीत गई और मेरा काफ़ी हद तक काफ़ी काम भी हो गया, और इस तरीके से बस आज का दिन रहा। आपका जो दिन होता है ना वो हमेशा एक जिम्मेदारी भरा होता है, चाहे वो आप घर पे रहकर अपने घर को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चाहे बाहर के काम निपटा रहे हो। तो हमेशा घर से जुड़ी चीज़ें आपके जीवन में, हमेशा कहते हैं ना जिम्मेदारी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती, और ख़ास तौर पे तब जब आप एक गृहिणी, एक कहते हैं ना होममेकर, एक माँ, एक बीवी और एक बहन, इस तरह की जिम्मेदारियों से जब आप घिरे होते हो तो आप हमेशा अपनी इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से बहुत सारे नेक्स्ट व्लॉग्स में। मैं आशा करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स, मेरी ये कोशिश आपको कुछ हद तक पसंद आ रही होगी।
चलिए फ्रेंड्स, अब करती हूँ यहीं पर इस व्लॉग को एंड। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।